आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है लॉन्ग टर्म शेयर्स में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर, देखिए यहाँ पे लाल बटन है और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिल जाया करे। IDBI बैंक में आज काफ़ी गिरावट है 8.46%, और BSE भी जो इसका करंट प्राइस है CMP इसकी 27.57 रुपये 55 पैसे 30 जुलाई है, आज 2 बज चुके हैं और हाई बनाया, हाई इसका जो था साल का 65 रुपये, लेकिन लो बनाया लाइफ टाइम का 27.45 का। तो इतनी भयानक गिरावट है और इस भयानक गिरावट में IDBI बैंक में जैसा कि लोग समझ रहे थे कि भाई अभी LIC ने इसको टेक ओवर कर लिया है, अब तो इसमें जान आ जाएगी क्योंकि LIC के पास नो डाउट बहुत पैसा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि LIC के पीछे है कौन, LIC में पैसा लाने वाला है कौन, LIC कोई बिस्किट या फिर LIC कोई ट्रांसपोर्ट का कारोबार या फिर LIC कोई फ्लाइट या फिर कोई इंडस्ट्री नहीं चलाती है कि LIC के पास बड़ी मेहनत से पैसा आता है। LIC के पास आपकी पॉलिसीज़ का पैसा जाता है जो दिन रात दौड़ धूप कर बेचारे हार्ड वर्किंग जो एजेंट्स होते हैं उनको भी नो डाउट उनके परिश्रम का जो उनको कमीशन मिलता है वो उनको मिलता है, इस वजह से वो भी हार्ड वर्क करते हैं और वो लोग सबका पैसा जुटा के LIC के पास आता है। और LIC ऐसी कंपनियों में भर भर के होल्डिंग अपनी ख़रीदती है। और दूसरी चीज़, LIC जो है भारत सरकार का उपक्रम है एक तरीके से कह सकते हैं, तो गवर्नमेंट भी अपने यूज़ में ले लेती है कभी कभी। जैसे कि IDBI बैंक से गवर्नमेंट परेशान हो चुकी थी, इसने इतना बैड लोन बांटा, इतना ज़्यादा NPA बढ़ चुका था कि इससे अब चूंकि गवर्नमेंट क्या होती है, सरकारी बैंकों को जो है कुछ ना कुछ पैसे जब घाटे पे चल रही होती हैं, NPA बढ़ रहा होता है, तो गवर्नमेंट अभी जैसे लास्ट टाइम इसने था कि 5,000 रुपये अलग कुछ बैंकों को दिया, इसी प्रकार से आने वाले समय भी कुछ अभी अनाउंसमेंट हुआ है बजट में कि सरकारी बैंकों को फिर से वे कुछ सहयोग राशि देगी। तो बैंक IDBI से परेशान होकर LIC की ज़बरदस्त इसमें होल्डिंग थी, काफ़ी अच्छा पैसा वैसा दे रखा था, तो इस वजह से इनको होल्डिंग भी मिली हुई थी। तो गवर्नमेंट को लगा कि चलो LIC को चिपका देते हैं और उन्होंने वैसा ही किया और LIC ने नानुकर नहीं कर पाई और अपना वो खुद का बैंक लाने की बजाय एक ऐसे बैंक में हाथ डाल दिया जिसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। दूसरी चीज़, अगर इंटरेस्ट हो तो मैनेजमेंट को भी देखना पड़ेगा कि जो LIC के जो बॉस हैं, जो मैनेजमेंट हैं, उनका क्या तरीका है कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। इतना पैसा मंथली में आता है, कई लाख करोड़ की पूरे देश भर से जो पॉलिसी धारक हैं, तो अब उस पैसे को कैसे मैनेज करना है मैं नहीं बताने वाला, मैं कोई बहुत LIC को गाइडेंस होने दे रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से निवेशकों का पैसा LIC अभी जैसे कि सेंटिमेंट मीटर यहाँ पे है, लोग अभी भी कह रहे हैं कि भाई बाई इट, 76% लोग कह रहे हैं बाई इट। कौन है ये लोग भाई, ऐसे देवता लोग जो कह रहे हैं भाई बाई इट? मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसी बैंक में जिसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, इतना NPA बढ़ा हुआ है। अब चलिए हम फंडामेंटल कुछ देखते हैं। मार्केट कैप है 21,390 करोड़ की रह गई है, बुक वैल्यू चलो फिर भी CMP से ऊपर है, 41 की है, प्राइस टू बुक है 0.67 की। अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कुछ होगा तब तो दिखाएगा भाई, इसमें कोई कमाई ही नहीं है शेयर में। पी रेशियो नॉट मेजर्ड, कोई अभी डिलीवरेबल है 16.82, फेस वैल्यू चलो ठीक है 10 की है अभी भी, और इंडस्ट्री बी है 191 की। तो इस प्रकार से LIC का जो हाल है, LIC का हाल हम इस माध्यम से आपको रिटर्न के माध्यम से ही बताएंगे। लेकिन पहले देखिए प्रमोटर्स कौन हैं और हाई जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उन्हीं ने अभी इतना अपनी होल्डिंग बना ली 97.46 के, जो यहाँ पे दर्शा रहे हैं दिखा रहे हैं। इस प्रकार से IDBI पे तो लोगों को, जो निवेशकों को ये लगा था, जो गलत फहमियाँ थी कि LIC के आने से बैंक उबर आएगी, LIC के पास इतना पैसा है कि चलो ठीक है बैड लोन्स हो गया सो हो गया, अभी प्रॉफिट में आ जाएगी। चलिए हम रिजल्ट्स भी देखते हैं किस प्रकार के रहे। तो अगर हम फाइनेंशियल देखते हैं तो December 2018 से March 2019 यानी Q4 के अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इंटरेस्ट जो अर्निंग है उसमें थोड़ी सी डाउन साइड है, चलो ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में यहाँ ज़बरदस्त उछाल है, जंप है 92.47% की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट PBDIT मीन्स प्रॉफिट बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स। एनीवेज NPA देखिए थोड़ा सा कम हुआ है क्वार्टरली, तो जहाँ पहले 14% मैं किस रेशियो से था वहीं अभी March 2019 में 10.11 का रेशियो हो गया। चलो ये भी समझ में आता है कि थोड़ा सा तो मामूली कम हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट
जहाँ दिसंबर 18 था 4041, मतलब 4485 करोड़ का, वहीं और बढ़ गया नेट प्रॉफिट 4918 करोड़ का लॉस। ये लॉस है, ये भी लॉस है, कोई प्रॉफिट वॉफिट नहीं है यहाँ पे। इस प्रकार से अगर हम ईयरली भी देख लें, अभी तो जून क्वार्टर के आए ही नहीं, जून वन के, तो मार्च 18 से जो मार्च 19 में ईयर ऑन ईयर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा देखिए हरे में जो निशान है, ये गलत फहमी मत पालिएगा। ब्याज से जो कमाई है उसमें तो चलो 4.77% की थोड़ा सा अपसाइड है, लेकिन अगेन यहाँ पे जो है PBDIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 40% का लॉस है, नेगेटिव साइड है। NPA यहाँ पे कम हुआ है, ग्रीन मत देखिए, NPA कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक से नीचे है या फिर अच्छी स्थिति में। नेट प्रॉफिट में भी जहाँ देखा जाए तो ये जो ग्रीन दिखा रहा है 13% की चेंजेस हैं, जबकि मार्च 18 में थे 5662 करोड़ का लॉस था, वहीं 4918 करोड़ का भी लॉस है, यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स तो बहुत ही घटिया हैं, और कंपनी जिस प्रकार से इनका काम ही है कि नाम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, मैं कोस नहीं रहा, मैं एक रिव्यू जनरली दे रहा हूँ, क्योंकि निवेशकों का पैसा भी डूबता है तो ऑब्वियसली जानना ज़रूरी है कि किस किस प्रकार की कंपनी में पैसा आप डालें, किस प्रकार की कंपनियों से आप, बैंक से आप दूर रहें। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिस प्रकार से औद्योगिक विकास के लिए इसको संस्थापित किया गया था भारत सरकार की तरफ से, तो इन्होंने इतना लोन बांटा, इतना बुरा लोन बांटा कि लोग जनरली इंडस्ट्री का विकास करने के बजाय इसका पैसा खा के भाग गए। तो इतना भयानक इन्होंने बैड लोन दिया था, उसी का नतीजा है कि जो निवेशक हैं इस पर जिन्होंने भरोसा जताया उनका पैसा डूब गया है। और रिटर्न वाइज अगर हम देखते हैं तो खूनम खून है, कहीं भी आपको हरे में निशान नहीं। जैसे हरे में निशान जो नीचे दिख रहा है ना, वो सेंसेक्स का दिख रहा है कि सेंसेक्स ने जो इंडेक्स है उसने भी इससे अच्छा रिटर्न दिया हुआ है, चाहे 10 सालों में चाहे 5 साल। तो इनके रिटर्न्स में पैसा आपका खा गया है, आपको मतलब मेहनत कश लोगों का जो पैसा है, रिटेल निवेशकों का जो पैसा है, वो इस कंपनी ने, इस बैंक ने जो है डुबो दिया है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ऐसे बैंकों से दूर रहें। सिर्फ एक न्यूज़ से कि LIC ने इसको टेक ओवर कर लिया है तो बहुत ज़बरदस्त कुछ अच्छा इसमें उछाल आ जाएगा, शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं। जब तक ये प्रॉफिट में नहीं आती, और मुझे नहीं लगता कि प्रॉफिट में कभी आएगी, LIC इंटरेस्ट नहीं ले रही, क्योंकि LIC को खुद नहीं मालूम है कि उसके पास इतना पैसा आया तो हाउ टू मैनेज दैट, उस पैसे का सदुपयोग कैसे करा रहे। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो पैसा शेयर में लगाने की बजाय कोई इंडस्ट्री भी स्थापित करती, कि बिस्किट्स वगैरह बनाती, 1000 लोगों को रोज़गार देती, तो भी अगर वो इंडस्ट्री नहीं भी चला पाती तो भी उसके पास रेगुलर इतना पैसा आता है कि वो उस घाटे में भी चला चला के कम से कम कई लोगों को रोज़गार तो देती, क्योंकि इसके पास रेगुलर इनकम है, पॉलिसी से पैसा आता है, आधा पैसा आता है। गवर्नमेंट तो जहाँ जहाँ लगता है गवर्नमेंट को कि भाई LIC सपोर्ट कर सकती है, LIC को आगे कर देती है, और LIC उसमें होल्डिंग बना लेती है, थोड़ा सा उस कंपनी को सहारा मिलता है। लेकिन ऐसी कंपनी को क्या सहारा देना जिनका सब कुछ लॉस में है। तो फ्रेंड्स, बस यही कहना चाह रहा था कि आज इस बैंक के बारे में मैंने देखा तो बड़ी निराशा हुई निवेशकों को, तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं, और जब भी इसका जून 1 के भी जब रिजल्ट्स आएंगे तो फिर भी अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।